जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल देवता, जो अभी 5 फरवरी 2024 को शाम को 9:56 तक धनु राशि में विराजमान थे। वो मंगल देवता जो बृहस्पति देवता के साथ राशि परिवर्तन का योग बना रहे थे, अब वो 5:56 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में जाते ही वो उच्च के हो जाते हैं, यानी बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में अच्छे होके बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में वो अच्छे होके बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि वो अब उच्च के हो गए हैं तो ज्यादा आशीर्वाद देंगे, बड़ा आशीर्वाद देंगे, ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाले बनेंगे। मंगल देवता जो देवताओं के सेनापति हैं, जो हमारे खून के कारक हैं, हमारे लिए तो वैसे पुलिस फोर्स, मिलिट्री वाले, आर्मी वाले, नेवी वाले, या फिर रेलवे कर्मचारी ही क्यों ना हो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड क्यों ही क्यों ना हो, वो सब मंगल देवता से रिलेटेड है। जो भी सुरक्षा कर्मचारी हैं, वो सभी प्रकार के सुरक्षा कर्मचारी मंगल देवता को रिलेट करते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट के सारे लोग मंगल देवता के अधीन ही आते हैं। जितने भी हमारे रेस्टोरेंट या फूड जॉइंट्स हैं, वो सभी भी मंगल के कारण ही होते हैं, तो वहां पर मंगल का शुभ होना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे सभी लोगों के लिए। तो ये देवताओं के सेनापति, हमारे बाहुबल भी हम कह सकते हैं, हमारी भुजाओं की ताकत भी मंगल की वजह से ही होती है, हमारी जो मांसपेशियों की ताकत है वो भी, उसके कारक भी मंगल देवता होते हैं, हमारे ब्लड के कारक भी मंगल देवता होते हैं। अब ये जब उच्च के हो जाएंगे तो निश्चित रूप से अद्भुत और बेहतरीन फल प्रदान करेंगे हमारे और आप सबके जीवन में। तो जिस समय मंगल देवता धनु राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, उस समय जो आसमान की स्थिति है, मैं उसका वर्णन करना चाहता हूं कि आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है। तो केतु महाराज उस समय पर बुध राशि में विराजमान थे, वो कन्या राशि में, और आसमान में कन्या राशि का ही उदय हो रहा था। चंद्र देवता वृश्चिक राशि में नीच के होकर विराजमान है, शुक्र देवता धनु राशि में विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है, मंगल देवता जैसा मैंने बताया मकर राशि में विराजमान हो गए हैं, सूर्य देव पहले से ही बुध देवता के साथ मकर राशि में ही विराजमान है, शनि देवता कुंभ राशि में विराजमान है, राहु महाराज मीन राशि में विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है, और यहां बैठकर ये सभी ग्रह अपने अपने शुभ फल या अशुभ फल आप और हम सबकी जिंदगी में प्रदान कर रहे होते हैं। तो इनका मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में क्या क्या शुभ या अशुभ फल मिलेगा, क्या क्या शुभता और अशुभता प्राप्त होगी, उसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले, उससे पहले मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आप सभी लोगों के समक्ष ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, इसलिए इसे अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यह वीडियो भगवान शनिदेव की शनि पीठ से निकलता है, भगवान शनिदेव सामने साक्षी हैं, तो वो भगवान शनिदेव जो अपने दिव्य स्वरूप में हाथी पर सवार हैं, हाथी के ऊपर पालती मारकर बैठे हुए हैं इस शनि पीठ पर,
ऐसी भव्यता और दिव्यता वाले भगवान शनिदेव के चैनल को सब्सक्राइब करने से निश्चित रूप से आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और आपको जो भी जानकारी दी जाएगी हमारी तरफ से बेस्ट और सटीक जानकारी देने का शास्त्रों के अनुसार प्रयत्न किया गया है। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम मनोज है और मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मेरे अंदर सुधार नजर आ रहा है। मुझे आपसे जुड़े जुड़े मेरे को 15-20 दिन हो गए। आपसे मैंने स्टोन अंगूठियाँ बनवाई हैं, तब से मेरा माइंड थोड़ा ग्रोथ करने लगा है और अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं। जितनी भी बुरी आदतें थी वो धीरे धीरे डाउन हो गई हैं और मुझे पहले से बेटर लग रहा है। बात करूंगा मैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, शुक्र देवता आपके सिर पर आकर विराजमान होंगे और कुटुंब वाले खाने में जाकर बैठेंगे। मंगल देवता साथ में होंगे, सूर्य देव और बुध देवता, यानी कुटुंब जनों के आशीर्वाद से, कुटुंब जनों के सहयोग से, परिवार जनों के सहयोग से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, कंप्यूटर एग्जाम में सफलता मिल सकती है, प्रमोशन इंगेजमेंट ट्रांसफर हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, व्यापार में 4 चांद लग सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपके दिमाग पर विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण का भूत भी सवार होगा क्योंकि शुक्र देवता सिर पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी भी प्रदान करेंगे वो। तो इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करिए ताकि आप अपने जीवन में खुशियां ला सकें और निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें। अगर आप में से किसी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, न उसे MP MLA की टिकट मिल रही है, ना काउंसलर की टिकट मिल रही है, ना सरकार में मंत्री पद मिल रहा है, ये न प्रॉपर्टी घर वाले साथ दे रहे हैं, पर कुटुंब वाले साथ दे रहे हैं, न प्रॉपर्टी से संबंधित कोई हेल्प मिल रही है, न व्यापार चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तो आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को दूर करने के लिए आप बिना किसी झिझक के हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर खुद आकर या फिर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों को सेव करिए। स्वामी राजऋषि के नाम से, शनिपीठ मंदिर नई दिल्ली के नाम से या हमारे नाम से, और एक वीडियो कॉल के द्वारा घर बैठे ही अपनी सभी प्रकार की परेशानियों के लिए आप हमसे परामर्श कर सकते हैं, हमसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जान सकते हैं जो साल में सिर्फ एक बार करने होते हैं। इन उपायों के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं और निरंतर तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जय शनिदेव।